लखनऊ से बीजेपी का चुनावी रथ अभियान शुरू। सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने की अभियान की शुरुआत। चुनावी रथ अभियान की शुरुआत पर बोले स्वतंत्र देव सिंह, बीजेपी सरकार ने गुंडा राज भ्रष्टाचार को खत्म किया। चुनावी रथ अभियान के आगाज पर बोले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, सीएम योगी के नेतृत्व में बनेगी सरकार, 2022 में बीजेपी सरकार बनना तय। राजधानी देहरादून में ही आज रहेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी, खराब मौसम के चलते अन्य जिलों के कार्यक्रम को लेकर असमंजस। क्रांतिकारी ठाकुर रोशन सिंह की जयंती पर सीएम योगी ने याद किया, ट्वीट कर ठाकुर रोशन सिंह को नमन किया। सीएम योगी ने ट्वीट कर सपा पर निशाना साधा, लिखा 10 मार्च शर्मनाक पराजय के लिए सपा एक बार फिर तैयार रहे। बुलंदशहर के दौरे पर आज रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, प्रबुद्ध वर्ग से घर घर करेंगे संपर्क, प्रमुख सामाजिक लोगों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ के दौरे पर रहेंगे आज, प्रबुद्ध वर्ग के लोगों से मुलाकात करेंगे, घर घर जाकर मुलाकात करेंगे। यूपी के रण में आज दिखेंगे अमित शाह, कैराना में पलायन पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे, घर घर अभियान के तहत लोगों से मुलाकात करेंगे। अमरोहा के दौरे पर आज रहेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, विधानसभा के पदाधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे, कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, कुछ नेताओं को सपा में शामिल करा सकते हैं। दोपहर 1 बजे होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की आज होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस, दोपहर 2 बजे ओवैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। चुनाव आयोग की अहम बैठक आज, रैलियों रोड शो को लेकर आयोग कर सकता है फैसला, 5 चुनावी राज्यों के स्वास्थ्य सचिव भी शामिल होंगे। पीएम मोदी का जिला अधिकारियों के साथ आज होगा संवाद, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिले में चल रही विकास योजनाओं की जानकारी लेंगे।